खुशखबरी 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 आप सभी युवा स्टूडेंट्स के लिए, बेरोजगार छात्रों के लिए एक खुशखबरी आई है राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की तरफ से। ये खुशखबरी है कि आज 18/9/2020 को एक नोटिस आया है और उसमें राजस्थान हाईकोर्ट के फार्म फिल की डेट आ गई है, वैकेंसी डिक्लेयर हो गई है। तो ये हम सब के लिए एक खुशी का माहौल है। तो कोरोना काल के बीच ही देख लो दोस्तों, आपकी सरकार तटस्थ है कि आपको नौकरी लगा के रहेगी, तो आप भी कमर कस लीजिए और आपको हर हाल में नौकरी लगना ही है। तो इसी के साथ ही पूरी जानकारी हम लेते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से। तो दोस्तों ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, सन्यासी या एजु मित्रा चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नहीं तो इस पीडीएफ का लिंक भी हमने डायरेक्ट दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं ये आज आया है, देखो ऑफिशियल है, हाईकोर्ट का ऑफिशियल है, राजस्थान हाईकोर्ट का। इसमें जूनियर असिस्टेंट की है पोस्ट, और देख लो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, तो ये एलडीसी की पोस्ट है हाईकोर्ट में, लगता है तो उसे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट बोलते हैं। और इसमें ऑनलाइन आवेदन की आपको बता रखा है तय सीमा कि 1/10/2020 यानी कि 1 अक्टूबर से, महात्मा गांधी जी की जयंती से एक दिन पहले ये वैकेंसी फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, और आखिरी दिनांक 1/11/2020 यानी कि 1 नवंबर 2020 तक ये भरी जाएगी। तो आपको तो करना है कि हमें तो 1 तारीख को पहले दिन ही फार्म भर देना और दूसरे दिन से तैयारी में लग जाना, पहले दिन फार्म भर के चालान कटा कर इसका सारा कुछ आप तैयारी में लग जाना, क्योंकि आपको पता है हाईकोर्ट समय पर ही वैकेंसी डिक्लेयर की है तो समय पर ही पेपर करवाएगा, समय पर पेपर करवाएगा तो समय पर ही ज्वाइनिंग देगा। हाईकोर्ट का सीधा है विजन कि हमें बच्चों को लेना है और हर हाल में लेना है। तो उसको ये नहीं है आपके RSMBC की तरह कि पंचवर्षीय योजना की तरह वैकेंसी निकलती है फिर पेपर होते हैं फिर रिजल्ट आता है, इतनी लंबी कार्रवाई नहीं चलेगी। तो देख लो ये पूरी डिटेल आई है। तो इसमें आपके OBC छात्रों के लिए, जनरल छात्रों के लिए 500 रुपये फीस है, कितनी है 500 रुपये, जबकि SC ST के लिए 350 रुपये है, कितनी है 350 रुपये फीस है। और बाकी विस्तृत जानकारी आपको इस PDF में मिल जाएगी दोस्तों। तो देखो और विस्तृत जानकारी वो भी मैं आपको दे, तो देखो दोस्तों ये 19 ये वैकेंसी देखो 19/3/2020 को आई थी, लेकिन कोरोना आपको पता है लग गया था, तो ये वैकेंसी फार्म फिल होने स्टार्ट नहीं हुए थे, लेकिन इसकी घोषणा कोरोना काल में ही कर दी थी। तो देखो राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तालुका विधिक सेवा समिति स्थायी लोक अदालतों सहित में कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में ग्रिड लिपिक ग्रेड द्वितीय क्लर्क ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित 2020 में की जाएगी। तो आप इसी के साथ तैयारी करना कि परीक्षा 2020 में होगी, दिसंबर में परीक्षा हो सकती है दोस्तों, क्योंकि यही हाईकोर्ट है, तैयारी का समय भी इतना नहीं देता, 1 से 2 माह ही देता है। तो आपको 1 महीना तो सीधा मिल जाएगा फार्म फिल और अंतिम डेट, यानी कि 1 महीना पूरा वो मिलता है, और नवंबर आपको लगभग पूरा मिल जाएगा, दिसंबर में आपके मिड दिसंबर में आपके पेपर होंगे। तो ऐसे में सोच लेना कि आपके NTPC के पेपर होंगे तो हाईकोर्ट के नहीं होंगे, नहीं हाईकोर्ट के होंगे, ये सेपरेट अपना करवा सकती है। तो देख लो दोस्तों इसमें अपने पॉइंट वाइज सब कुछ दे रखा है कि इसकी पे ये रहेगी, स्केल पे ये रहेगी, तो हमें तो पहले पे नहीं, हमें तो पहले नौकरी लेनी है हर हाल में। तो ये पूरी जानकारी 16 पेज की ये PDF है दोस्तों। इसमें देखो गैर TSP क्षेत्र की डिटेल दे रखी है, तो हम देखो सीधे ये पेज हमारे इसमें तो हमारा दे रखा है सिलेबस कि क्या क्या है। अब देखो हम आते हैं, तो ये है देखो दोस्तों दे रखा आपको 500 रुपये OBC और जनरल के लिए, और 350 रुपये अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए भी 350 रुपये हैं। परीक्षा शुल्क किसी भी दावे की स्थिति में नहीं किया जाएगा। अब आते हैं देखो सिलेबस पेपर कैसा होगा उस पर, तो देखो दोस्तों इसमें ये है पेपर की स्थिति, इसमें हिंदी का पेपर है,
इंग्लिश का पेपर है और जनरल नॉलेज। आपको पता है जो इससे पहले वैकेंसी हुई थी उसमें हिंदी और इंग्लिश था, लेकिन इसमें इस बार जीके को भी ऐड किया है, तो ये बढ़िया है कि इस बार मेरिट थोड़ी उससे कम जाएगी, क्योंकि जीके राजस्थान जीके हर बच्चे का तैयार हो नहीं पाता है दोस्तों, इसलिए थोड़ी मेरिट डाउन जाएगी। लेकिन हिंदी 100 नंबर की है, इंग्लिश 100 और जीके तीनों ही 100-100 नंबर के हैं। और दोस्तों 2 घंटे का आपका ये पेपर चलने वाला है, कितने घंटे, 2 घंटे का पेपर चलने वाला है हिंदी। अब देखो सिलेबस दे रखा है हिंदी का, इंग्लिश में क्या है, जीके में क्या क्या है। उसके बाद आप अगर रिटर्न क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका टाइप टेस्ट होगा, उसमें हिंदी की इंग्लिश की स्पीड बता रखी है, एफिशिएंसी बता रखी है, एफिशिएंसी का भी टेस्ट होगा। तो ये सब कुछ आपको दे रखा है इस पीडीएफ के अंदर। ये पीडीएफ आपको इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। आप एजुमित्र एसएनएससी सक्सेस पॉइंट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये मिल जाएगी। तो दोस्तों देखो ये आवेदन की प्रक्रिया, आपका प्रवेश कार्ड, ये सारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा जब आपका पेपर होगा, तो आप किसी भी फर्जी झांसे में मत आना। नियम और शर्तें दे रखी है, हेल्पलाइन नंबर दे रखा। अब देखो आगे पोस्ट, कितनी पोस्ट है, किस किस में, देखो तो ये 268 पोस्ट इसमें है। अब जनरल की, यूआर की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, एमबीसी की, टोटल एसएपी पोस्टें दे रखी है, ये पूरी डिटेल है दोस्तों देखो। तो दोस्तों ये देखो आपको पीडीएफ में दे रखा है, ये 18 पोस्ट अलग से दे रखी है वैकेंसी की। फिर देखो ये देखो किस किस जिले में कहाँ कहाँ पोस्ट हैं, ये देखो 1056। तो वैकेंसी की भरमार है, आपको तो एक सीट ही चाहिए, ऐसा मत करना कि वैकेंसी इतनी है इतनी है, आपको एक सीट चाहिए आपके लिए काफ़ी है। और वैकेंसी वैसे भी फुल है, कम नहीं है। देखो ये 333 वैकेंसी, यहाँ 16 अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग वैकेंसी है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको तो कोशिश करो आज से ही लग जाओ, क्योंकि आपके पास सिलेबस आ रखा है, एग्जाम होकर रहेगा, तो आप तैयारी में लग जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी पता चल सके कि वैकेंसी आने वाली है, 1 अक्टूबर से फॉर्म फिल होने वाले हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके और आप भी तैयारी में लग जाइए। और ये वैकेंसी की डिटेल आपको मैंने पूरी बता दी है, हिंदी इंग्लिश जीके में क्या क्या सिलेबस है वो आप देख लेना, क्योंकि इतना समय नहीं है। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।